अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम बनाएंगे चिकन से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए एक मसाला तैयार कर लेंगे तो कढ़ाई में मैंने डाली है तीन बड़ी इलायची एक टुकड़ा मैंने इसमें डाला है जावित्री का फिर इसमें मैंने डाली है एक छोटा चम्मच खड़ी काली मिर्ची और दो छोटे टुकड़े मैंने इसमें डाली है दालचीनी के और तीन से चार फिर इसमें डाली है लौंग फिर मैंने इसमें आठ से दस लाल खड़ी मिर्चें डाली हैं अब इसमें मैंने डाली है दो छोटे चम्मच सौफ़ फिर इसमें डाली है दो छोटे चम्मच खड़ा धनिया और फिर एक छोटा चम्मच इसमें डाला है ज़ीरा अब इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे तो इसमें से एक खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे सेक लेंगे और इसका कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये देखिए मसाले का कलर चेंज हो गया है इसमें एक हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है तो आप गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके हम इसे बिल्कुल बारीक पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे तो ठंडा होने तक इसे ऐसे ही रखे रहने देंगे उसके बाद हम इसे पीस लेंगे दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने पंद्रह से बीस लहसुन की कलियाँ ली हैं और एक इंच अदरक का टुकड़ा लिया है अब अदरक और लहसुन को हम खरल में डाल लेंगे और इसे कूट लेंगे इसे हमें पीसना नहीं है हमें इसे दरदरा करना है इसलिए हम इसे खरल में डालकर इस तरह से कूट लेंगे तो हमने इसे खरल में कूट लिया है बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसे करना है तो अब इसे साइड में रख देते हैं इधर मैंने जो मसाला रोस्ट किया था उसे भी पीस कर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है अब हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है फाइव हंड्रेड ग्राम यानी आधा किलो दही और दही का पूरा पानी मैंने निकाल दिया है दही को मैंने दो घंटे के लिए एक छलने में रख दिया था जिससे इसका सारा पानी निकल गया है दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा दही हमें लेना है अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन जो हमने कूट कर रखे थे वो इसमें डाल देंगे फिर इसमें हम डालेंगे पाउडर मसाला जो हमने पीस कर रखा था वो सारा इसमें डाल देंगे फिर इसमें हम डालेंगे नमक तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर और एक छोटा चम्मच हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस डाल दें अब सारे मैरिनेशन वाले मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छा उस टाइम मैंने इसमें सोया सॉस नहीं डाला था तो यहाँ पर मैं इसमें एक बड़ा चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल रही हूँ कलर के लिए ये तो टोटली ऑप्शनल है आप चाहें तो उसे स्किप भी कर सकते हैं तो सारे मैरिनेशन वाले मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है इसे अब हम साइड में रख लेते हैं अब मैंने ये लिया है चिकन तो ये 700 ग्राम यानी 700 ग्राम चिकन लिया है इसे अच्छे से धो लिया है और इस तरीके से मैंने इसमें डीप कट्स लगा लिए हैं इससे मसाला जो भी हम लगाएंगे वो अंदर तक जाएगा इसलिए इस तरह से डीप कट्स लगा लें तो यहाँ पर मैं चिकन के पीसेस का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहे तो होल चिकन या चिकन के लेग पीस से भी सिर्फ इसे बना सकते हैं अब एक एक बोटी लेंगे और इस तरह से मसाला बोटी पर लगाते जाएंगे अंदर तक जो भी हमने कट्स लगाए थे उसके अंदर भी हम मसाला भरते जाएंगे इस तरह से तो सारी बोटियों पर हम मसाला लगा कर रख लेंगे तो सारी बोटियों पर अच्छे से मसाला लगा लिया है और मैंने इसे फिर एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है अब इसे प्लास्टिक रैप से अच्छे से कवर कर देंगे अगर प्लास्टिक रैप आपके पास नहीं है तो आप किसी भी प्लेट से इसे ढक दें प्लास्टिक रैप से कवर करने से ये अच्छे से कवर हो जाता है क्योंकि हमने इसे मैरिनेट करना है तो फ्रिज की स्मेल भी इसमें नहीं आए इसलिए मैंने इसमें प्लास्टिक रैप लगाई है इससे फ्रिज की स्मेल भी नहीं आती है इसमें, इसमें तो अब इसे हम चार से पाँच घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं ये जितने अच्छे से मैरिनेट होता है उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है तो जितना हो सके उतना इसे मैरिनेट कर लें तो यहाँ पर मैं इसे पाँच घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी तो इसे रखे हुए पाँच घंटे हो गए हैं अब इसे हम फ्रिज में से बाहर निकाल लेंगे और प्लास्टिक रैप को भी इस पर से हटा देंगे अब यहाँ पर मैंने लिया है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर के ऊपर सारी बोटियाँ हम इस तरह से रख देंगे आप सारे चिकन रखने के बाद हम फॉइल पेपर को अच्छे से इस तरह से कवर कर देंगे तो यहाँ पर ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैंने एक और पेपर का इस्तेमाल किया है तो एक बार कवर करके दूसरे पेपर में भी इस तरह से हम कवर कर देंगे तो ये अच्छे से पैक हो जाएगा तो हम बना रहे हैं स्टीम चिकन इसलिए हमने इसे फॉइल पेपर से कवर करा है क्योंकि हम चिकन को स्टीम करेंगे भाप में पकाएंगे इसे इसलिए हमने इसे फॉइल पेपर से कवर करा है तो यहाँ पर मैंने स्टीमर को गर्म होने रख दिया था पानी भरकर तो पानी अच्छे से गर्म हो गया है अब हम ऐसी कैसी चिकन को इसमें रख देंगे और फिर इसे हम कवर कर देंगे और अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इसे किसी भी पतीले या कढ़ाई में भी स्टीम कर सकते हैं तो कढ़ाई या पतीले में एक छोटा सा स्टैंड रख दें फिर पानी डाल दें उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर एक प्लेट रख के चिकन रख दें इस तरीके से भी आप इसे ईजीली स्टीम कर सकते हैं मैं उस तरीके से भी स्टीम दे चुकी हूँ पहले मैंने मटन स्टीम रोस्ट बनाया था तो वैसे ही प्रोसेस से मैंने बनाया था आप वो वाली वीडियो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं अब इसे हम 40 टू तो 45 मिनट के लिए लो फ्लेम पर स्टीम होने देंगे यानी 40 से 45 मिनट के लिए हम इसे स्टीम होने देंगे ईजिली पक जाएगा इतनी देर में तो बस इसे हम चालीस से पैंतालीस मिनट के लिए लो फ्लेम पर रखे रहने देते हैं तो इसे रखे हुए यहाँ पर आधा घंटा और दस मिनट और ऊपर हो हो चुके हैं यानी इसे रखे हुए पर मिनट गए थे मैंने गैस बंद कर दिया है तो अब इसे हम निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में रख लेंगे अब फॉइल पेपर को भी हटा लेंगे इस पर से तो यहाँ पर हमने चिकन के पीसेस से इसे बनाया है इसलिए हमने इतनी देर के लिए इसे स्टीम किया है लेकिन अगर आप होल चिकन से इसे बना रहे हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा देर के लिए स्टीम कर लीजिएगा क्योंकि उसे गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और जो बोटियाँ होती हैं चिकन के पीस छोटे होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं इसलिए हमने इसे चालीस मिनट के लिए स्टीम दिया है तो आप देख सकते हैं बोटियाँ अच्छे से गल गई हैं तो स्टीम चिकन तो हमारा तैयार है आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे रोस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से तो मैं आपको इसे रोस्ट करके भी दिखा देती हूँ तो पैन में मैंने डाला है बटर बटर को हम पिघला लेंगे इसे मेल्ट होने देंगे उसके बाद हम एक एक बोटी चिकन की इसमें डाल देंगे तो जब हम इसे इस तरह से पकाएंगे तो ये हो जाएगा स्टीम रोस्ट चिकन ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जब हम इसे रोस्ट कर लेते हैं तो इसका थोड़ा सा फ्लेवर तंदूरी चिकन जैसा आता है जैसे हम तंदूरी चिकन खाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसका टेस्ट आता है और जब सिर्फ अगर आप स्टीम वाला चिकन बना रहे हैं सिर्फ स्टीम करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो आप दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं तो अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर इस तरह से ब्राउन कलर नहीं आ जाता इसमें ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते तब तक इसे शैलो फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से चिकन के अच्छे से हमने इसे ब्राउन स्पॉट्स आने तक अच्छे से शैलो फ्राई कर लेना है और गैस की फ्लेम को लो रखना है या मीडियम रखना है हाई बिल्कुल भी नहीं रखना है नहीं तो ये जल जाएगा तो बस इसी तरीके से हम इसे रोस्ट कर लेंगे तो बस ये तैयार है अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसी कलर का हमें इसे रोस्ट करना था अब इसमें हम एक चारकोल का फ्लेवर दे देंगे तो फॉइल पेपर पर मैंने कोयले को जलाकर इस तरह से रख कर उसके ऊपर डाल दिया है तेल और फिर इसे हम फ़ौरन से कवर कर देंगे और कवर करके इसे पाँच मिनट के लिए रखे रहने देंगे इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आ जाएगा जैसे हम बाहर खाते हैं स्टीम रोस्ट चिकन रेस्टोरेंट में बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा इसके अंदर तो पाँच मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और कोयले को भी इसमें से निकाल लेंगे और अब इसे हम सर्व कर लेंगे तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा स्टीम रोस्ट चिकन बनकर तैयार है तो इसे आप हरी चटनी और रायते के साथ सर्व करिए गए बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है खाने में तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अल्लाह हाफिज़